शनिवार को भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पार्टी सांसद प्रवेश वर्मा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की और दिल्ली में शासित आम आदमी पार्टी सरकार पर कथित कुप्रबंधन पर प्रकाश डालते हुए एक पत्र सौंपा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में आदेश गुप्ता ने बताया कि पत्र में कहा गया है कि दिवाली से पहले या बाद में दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है। दिल्ली सरकार हर साल बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन प्रदूषण की स्थिति जस की तस बनी हुई है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने में विफल रही है। आम आदमी पार्टी के बोल बदल गए, वो ऑड इवन की बात कर रहे हैं, वो और दूसरे उपायों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी पंजाब में भी जवाबदेही बन गई, पंजाब में उनकी सरकार है, इसलिए वो उस कमी को नहीं बता रहे कि जिसके कारण से यहाँ दिल्ली में वायु प्रदूषण की गुणवत्ता खराब हो रही है, यहाँ वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और जिसके कारण से ये दिल्ली के लोग बीमार पड़ रहे हैं। वो पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, इसकी शिकायत करने के लिए आज हम लोग यहाँ आए कि दिल्ली सरकार को ये कदम उठाने चाहिए। दिल्ली सरकार ने कदम नहीं उठाए, जो आपने भी निर्देशित किए, जो एयर क्वालिटी कमीशन ने भी कहा, वो मेजर्स भी नहीं उन्होंने लिए। इसके लिए हम लोग आज डेलीगेशन के रूप में आए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार कुछ करे। ये इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्लेम किया है, कभी केंद्र सरकार पर तो कभी पंजाब की पराली जलाए जाने पर। अब वो पंजाब में पराली जलाई जा रही है, इसके लिए वो चुप हैं, क्योंकि वहां भी वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां फेल हो गए।